हेलो फ्रेंड्स, दिस इज विजय राजपुष्प एंड वेलकम टू लर्नर आईजवाई वीआरपी। जैसा कि आपको पता है कि दिन पर दिन कंपटीशन जो है से क्या होते जा रहा है, काफ़ी टफ होते जा रहा है। और आप चाहते हैं कि आपको जीवन में सफलता मिले तो आपको करना पड़ेगा कड़ी मेहनत। नहीं, वो माँ बाप के घी वाला रोटी खाना छोड़कर और अब आपको क्या करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। तो सुनिएगा, हम लोग आज लेकर आए हैं बेहतरीन चैप्टर। शायद ही कोई एग्जाम हो जिसमें इस चैप्टर से क्वेश्चन नहीं पूछा जाता हो। कृपया केवल स्क्रीन पर नज़र रखो तो डायरेक्शन, दिशा, दिशा के बारे में तो सबको पता है, पता है कि नहीं? दिशा, क्या दिशा के बिना कुछ भी है संभव? हम लोग घर से निकलते हैं तो किसी दिशा में निकलते हैं, क्लास में रहते तो किसी दिशा की ओर देखते हैं। तो जो दिशा है, सबसे पहले जानिए कि दिशा तो वैसे 10 है। अच्छा, एक बात बताइए, ये जो ऊपर होता है उसको बोलते हैं उत्तर, जिसको शॉर्ट में ऊ लिखते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? नॉर्थ। शॉर्ट में एन बोलते हैं। ध्यान से सुनिएगा, आपके जीवन हो सकता है एक विचार से चेंज हो जाएगा। नहीं तो, और ये नीचे जो होगा ये कौन होगा? दक्षिण, जिसको इंग्लिश में क्या बोलेगा? शॉर्ट में क्या बोलेगा? और दक्षिण को द। ये दायां साइड हमेशा, अब ऐसे घूम का ना कहिएगा सर इन्हें दायां है। जिधर मैप होगा उधर ऐसे घूमेगा। घूम गए ऐसे घूमिएगा, इन्हें के नक्शे में बैठ जाएगा जाके। तो ये दाहिना साइड जो होगा ये क्या होगा? पूर्व। शॉर्ट में ऐसे लिखेगा और इंग्लिश में क्या लिखेगा? ऐसे ही ना लिखेगा। और ये बायां साइड जो होगा क्या होगा? पश्चिम। और इसको बोलते हैं बेस्ट। शॉर्ट में क्या लिखेगा? बच्चे लोग एक बात बता दूं, बताओ कि नहीं बताओ? तो सुन लो, अगर आप घड़ी देखें, कहियो ये घड़ी है, घड़ी का कांटा करने में चलेगा इधर माह चलेगा इधर माह है, माने कांटा से चलते जा रहा है तो चारों कांटा, माने आलू तोरा लग रहा है कि कोहरा है। चलो अब सुनो, इधर मैं चल रहा है तो घड़ी के दिशा में जा रहा है कि उल्टा जा रहा है? तो दिशा, यानी घड़ी के दिशा में अगर आप जाएंगे तो इसको बोलते हैं क्लॉकवाइज। क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं दक्षिणावर्त की वामावर्त। दक्षिणावर्त दाई ओर जा रहे हैं। कोई कहे कि ना हम घड़ी को मैं ना चलाबे, ए मा उल्टा घड़ी ए माना जा रहा है ऐसे ऐसे, ना हम इन्ने मैं चला चलो। तो इसको एंटी क्लॉकवाइज, इसको क्या बोलते हैं? वामा। याद करिए, अभी याद करने का समय है। घड़ी के दिशा में जाएगा तो दक्षिणावर्त, उल्टा आइएगा तो जिंदगी में एक ही रास्ता अपनाना है, या तो चलो दक्षिणावर्त ना चलो। लेकिन हम लोग का आदत है दक्षिणावर्त चलने का। ए माह चलेगा तो क्या होगा? अब सुनो, इसको देख रहे हैं बीचों बीच, इसके ऊपर अब देखो ये भी तो एक दिशा होगा, तो इधर से आ जाओ, ये हो गया उत्तर, उत्तर पूर्व। इधर आओगे तो देख लो उत्तर, देखो ई रेखा के ऊपर ऊपर से देखना, उत्तर पश्चिम। कोई दिक्कत है तो बोलो। अरे उत्तर में ऊ ना रहता है ऐसे ना, सुनो सुनो बउआ। लेकिन जब इस रेखा के नीचे आओगे तो एकरा अनुसार ये क्या लिखा हुआ है? दक्षिण पूर्व। इधर आओगे तो कोई कहेगा सर हम ये लिख दे कर पूरब दक्षिण, तब नहीं गलत होगा, मेरी मर्जी, हम इसको लिख दे दक्षिण पूर्व, चाहे लिखे पूरब, ऐसा ऐसे लिखते तो नहीं बढ़िया लगता है कि
हाँ, ये रीजनिंग है कंपटीशन का, SSC बैंक रलवे सबका है समझे। तो सुनिएगा, तो अब करो, तो दिशा कै गो हो गया, 8 गो, एगो ऊपर एगो नीचे, दशानन 10 है जिसके आनंद, क्या रावण, रावण को क्या 10 गो मुड़ी था, 10ों दिशाओं पर कमांड था, इमा समझे कि 10 गो अगर मुड़ी था उसको ना, 10ों दिशाओं पर कमांड था, जिधर निकल जाता था कोहराम हो जाता था, देवता भाग जाते थे, हाँ इसीलिए उसको कहते, वो उसको 10 गो सिर नहीं था बल्कि 10 दिशाओं, हाँ वही वो दिखाता है, इसलिए कि उसको 10ों दिशाओं पर कमांड था। क्या मनुष्य को कभी भी 10 गो सिर हो सकता है, तुम ही सोचो, तो कैसे रावणों तेगो मन, अरे रावण राक्षस था तो तू की आदमी है, अरे हमरे लेखा वो आदमी था लेकिन ओकर सोच था राक्षस वाला। राक्षस किसको कहते हैं, जो अताइपन करे कि राक्षस पैदा लेता है कौन, तो इससे समझ चुके राक्षस जाति है, अरे जाति उती नहीं है, वो मनुष्य था नहीं। तो दिशा समझ में आया कि नहीं आया बुआ लोग, अगर दिशा समझ रहे हो तो आगे बढ़े हम। अब सुनो बउआ, वो सुनिएगा कि ना सुनिएगा, तो सुनिए। अब एक बात मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, रखूं तो सुनो, जब भी आपको दिशा का दूरी निकालना हो ना, तो सबसे पहले शॉर्टकट रास्ता निकालना, कौन रास्ता निकालना, बिल्कुल शॉर्टकट रास्ता, कोई दिक्कत। अच्छा बताओ तो कुछ देखो, तनका समझो बउआ, बउआ समझो, मान लो कि कोई व्यक्ति है जो उत्तर की ओर चलना शुरू किया, तो उत्तर जाएगा ऊपर माया के नीचे माया के दाया की बाया, तो देखो देख बउआ, बउआ उत्तर की ओर चला, करने चला उत्तर, अब खेला शुरू हो रहा है, मेन खेला अब शुरू, अभी करने माया चला उत्तर की ओर चला, चल दिया, देखो बुआ अब ये जो तीर दिख रहा है दाहिना ही है ना, तो एन्ने जाएगा तो कन्ने जाएगा दाई ओर, कोई दिक्कत है तो बोलो, अरे दाहिना हाथ है खड़ा है, ये कन्ने हाथ हमारे, तो एन्ने जाएगा तो दाया आ इधर जाएगा तो, बोलो ये समझे कि नहीं। और समझ लो, अगर ये बात समझ में नहीं आएगा तो जिंदगी में कभी तुमसे डायरेक्शन नहीं बनेगा, इसलिए अभी लिखना बंद करो, तुम्हारे पास मोबाइल है, वीडियो जिंदगी भर रहेगा, ये उड़ने वाला दुनिया समाप्त हो जाएगा, ये रहेगा, सुनो आराम से सीखो, यही मेन है कंसेप्ट। देखो बउआ, तो अगर दाहिनी ओर जाओगे तो क्या, देखो दाया हाथ की ओर जाओगे तो दाई ओर, और इधर आओगे तो, अब हम आपसे क्वेश्चन पूछते, कोई व्यक्ति उत्तर की ओर चलना शुरू किया, 3 किलोमीटर गया उत्तर, क्या किलोमीटर गया, 3 किलोमीटर, और 4 किलोमीटर बाई घूरा, बाई कन्ने बाया हाथ में कि दाया हाथ में, तो एक की ओर की दो की ओर, एक की ओर, चलो बाया कितना गया, तो ए से बड़का रेखा होगा कि छोटका रेखा होगा, बड़ा ही ना होगा, ये अंतिम हुआ। अब पूछेगा कि अब बताओ कि कितना दूरी तय किया, तो कैसे निकालोगे, शॉर्ट निकाला जाता है, शुरू और ये, अब बन गया समकोण, समकोण 90 डिग्री, और समकोण त्रिभुज में जानते हो लंब का स्क्वायर और जोर आधार का स्क्वायर वही होता है उसका, टेढ़ का सीढ़ी, तो 3 3 9 और 16 25 और 25 के बराबर कितना होगा 5, अब कितना होगा, कहित कि क्या कर दिए सर जी, कहाँ से हो गया, अरे 3 3 9 और 4 चक्का और 16 9 कितना होता है, अब बराबर 5, और किलोमीटर में तैने का निकाल लिख दिए, क्या निकल गया कि नहीं निकल। अब सुनो एक बात तो समझ गए, अब कोई कहे कि ना हम उत्तर ना जाए, हम जाए दक्षिण, तो ठीक है जो बेटा चल गए। अब सुनो, अब सुनो, जब उत्तर में गए तो दहिना हाथ हो गया दाया, अब बाया हो गया बाया, अब मुड़ियाबा नीचे घुसका दिए,
तो अब क्या करेगा? अब उल्टा, अब दाहिना हाथ कने हो गया बाईं ओर, कने हो गया एने कारी दही, बाया कौन हो गया? बोलो कोई दिक्कत है तो बोलो, याद नहीं रहेगा? ऊपर में जा रहे हैं तो दहिना दाया, और नीचे में आ रहे हैं तो दहिना बाया, याद करो। अब गाना मत गाने लगना, चलो देखो अब सुनो। तो बोलो, कहता है कि कोई व्यक्ति दक्षिण की ओर 4 किलोमीटर गया, कितना किलोमीटर गया? 4 किलोमीटर, दक्षिण की ओर 4 किलोमीटर गया, और 4 किलोमीटर चलने के बाद, 4 किलोमीटर चलने के बाद अपना दाई ओर मुड़ा, कने मुड़ा? आप सोचो ये तो दहिना हाथ है, आई तो मुड़ी और नीचे घुस के ले, तो कने में जाएगा? एक की दो की तरफ, हमें जाए के करने है, दाया की बाया, दाया करने जाएगा? हाँ, तो गया 3 किलोमीटर जाके, तो छोटके बनाई है, चल गया। कोई दिक्कत है तो बोलो, क्या दिशा समझ में आ रहा है? अगर आज नहीं समझोगे तो जिंदगी में आज नहीं तो कभी नहीं। अभी बात करें तो इसको भी शुरुआत को मिला दो, बतवा वही है, चेहरा बदल गए हैं, दिल तो वही है ना, सॉरी चेहरा बदल गया दिल वही है ना, हाँ हाँ हाँ, बेटवा बेटिया वही है, खाली तनका दिल बदल गया तो तुम जियोगे, धड़कन के बिना जी पाओगे, पंपिंग होगा, ब्लड जैबे नहीं करेगा, एनर्जी मिलेगा, एनर्जी नहीं मिलेगा तो तुम कहाँ चले जाओगे? प्यारे हो जाओगे। आप सुनो, सुन बउआ, अब कोई व्यक्ति पूरब की ओर जाना शुरू किया, करने शुरू किया? आप सुनो, करने जा रहे हैं, मान लेके तू जा रहे हो पूरब, देखो हम जा रहे हैं पूरब, अरे पूरब ही नक्शा पर दिशा नहीं देखो, करने जा रहे हैं, आप एगो हतवा करने है लम्बल, देख दहिना, देख आई ऊपर ही कौन हाथ है, मर खेले ना दहिना हाथ से का, ये बाया और नीचे क्या है, तो नीचे जो होगा ये इन्ने आएगा तो ये कौन साइड में आएगा, दाया, और ऊपर आएगा तो बाई ओर, कोई दिक्कत बा? आ कभी न हम ना जाए पूरब, हम पश्चिम जाए, तो जो पश्चिम, तो अब तो इन्ने में घूम गए, देख ले, देख लो ऊपर हाथ उठ गलो दहिना, तो ये हो गया ऊपर जाएगा दाई ओर, और नीचे आएगा, कोई समस्या? अगर इस समझ गए तो समझो डायरेक्शन बनेगा, नहीं समझे दाया बाया करोगे उलट जाओगे आगे जाके ना, साइकिल में साइकिल मार दोगे, ठोक देगा जाके पूरब चल जाए पश्चिम, समझ गए नहीं? इसीलिए ध्यान रखो, मान ले कि हम उधर से आ रहे थे, ऐसे उन्ने से आ रहे थे, कन्ने से आ रहे थे, ऐसे आ रहे थे, ओ जोगी बाबा कहने से, चल जोगी बाबा, जोगी बाबा कहने से आ रहे थे एन्ने से ना, ऐसे हमारा रास्ता ऐसे मुरल, ऐसे ना मुरल, अब सुन एन्ने से ना आ रहे थे तो जा रहे थे, अच्छा छोड़ो छोड़ो, करने जा रहे थे करने कारी दक्षिण, अब मारे धक्का तो करने घुसुक गए, ये देखो अब बोलो, अब बताओ दहिना घुस के कि बाया घुस के, एन्ने रहता देखिए तो बाया उल्टा में चलता है, तो करने घुसुक गए, घुसुक गए, चलो तो सोच लो अपना, तो सबसे पहले इसको स्क्रीनशॉट ले लो। तो अभी आपने क्या सीखा इसके बारे में जाने, एक बार रिफ्रेश देखते हैं, रिकैप करते हैं, सबसे पहले जाना कि उत्तर होता है उत्तर, सॉरी ऊपर होता है उत्तर, नीचे होता है दक्षिण, दाया साइड होता है पूरब, और बाया साइड होता है दिशा 10 है, इसको बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट यानी उत्तर पूरब, इसको बोलते हैं दक्षिण पूर्व, इसको बोलते हैं दक्षिण पश्चिम, और इसको बोलते हैं उत्तर पश्चिम, उत्तर एक होता है ऊपर, एक होता है एक आकाश है एक पताल, दिशा क्या हो गए? मैंने क्या कहा था कि अगर कोई व्यक्ति सीधा उत्तर की ओर जा रहा है, कहाँ जा रहा है, तो दाहिना हाथ हो जाएगा उसका दाई ओर, और इधर बायां हाथ इधर होगा ये बाई ओर हो जाएगा, लेकिन कोई व्यक्ति दक्षिण की ओर जा रहा है तो उल्टा दाहिना हाथ हो जाएगा, दाहिना हो जाएगा बाई ओर और बायां हो जाएगा, कोई दिक्कत? अगर कोई व्यक्ति सीधा पूरब की ओर जा रहा है
ऐसे जा रहा था, देखो हथवा एगो करने जा रहा है, दाहिना हाथ नीचे आ रहा है, नीचे दाहिना, तो इधर आएगा तो दाईं ओर और ऊपर जाएगा तो बाईं ओर। लेकिन कोई आदमी पश्चिम की ओर जा रहा है, ऐसे ना जा रहा है, तो पश्चिम जा रहा तो उल्टा इधर क्या हो जाएगा, ये दाईं ओर ऊपर हो जाएगा और नीचे कौन हो जाएगा। अब सुनो, मैंने कहा मान लीजिए कोई घड़ी है और घड़ी का कांटा चलता है इधर में, तो ये हो गया आपका क्लॉक वाइज, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं, दक्षिणावर्त। और कोई घड़ी के उल्टा चले, घड़ी ये माने चलो, तो इसको बोलते हैं एंटी एंटी क्लॉक वाइज, जिसको वामावर्त बोलते हैं। ये है दक्षिणावर्त, ये है वामावर्त। कोई दिक्कत है क्या, समझ में आ रहा है क्या? अच्छा, अगर कोई कहे कि कोई व्यक्ति पूर्व की ओर जा रहा था, कहाँ जा रहा था, पहले दाईं ओर घूमा, पहले करने घूमा तो दाया एक नंबर में कि दो नंबर में, इन्हें ना ऐसे ना, इधर गया मान लो चार गया था, तीन गया चल गया, सुन ना बउआ, हमेशा कै डिग्री पर घूमना। अब कह रहा है कि अब वह जा रहा है बाई ओर, करने जा रहा है तो बाया बोलो एक की दो, बाया नीचे माए है, नीचे माए, तो दहिना है ना, ई हो गए दहिना बाया, तो बाया ओर चल गया पांच किलोमीटर। अब कह रहा है फिर कि अब वह बाया ओर घूमा, करने घूमा तो बाया करने होगा ऊपर, मान लो छः किलोमीटर गया। कोई दिक्कत है, समझ में आ रहा है? अगर समझ गए तो बहुत अच्छा है, नहीं समझे तो भी अच्छा है, क्योंकि फिर से देखिएगा बैक करके वीडियो का, फिर घंटा बढ़ाइए। चलो अब बात आया, अगर कोई सूरज की ओर करने का रही मुंह करके खड़ा है, मान लीजिए कि हमारा उन्हें सूरज है, बोलवा दिखा देगा सूरज भगवान इन्हें, मान लो सूरज की ओर, ऐसा नहीं हम उल्टा, चलो सूरज इन्हें है, करने है सूरज, देखो मान लो यहाँ सूरज, सूरज देवता यहाँ पे है, उग गए। चलो सुनो, यदि आप नहीं बना ना क्वेश्चन, नहीं बना तब पूछेंगे, पढ़ने में मन तो लगता नहीं है, झूठों के एसएससी बाय रेलवे मन नहीं लगता है, बाप माई को ठगता है। चल कहता है कि यदि आप सूर्य, देखो हम सूरज की ओर देख रहे, करने देख रहे, देखो था ये ना भगवान सूरज है, सूरज भगवान। चलो चलो आप सुनो, अगर आप सूरज की ओर मुंह कहले हैं तो आपका जो मुंह होगा, आपका जो मुंह होगा ये हम है, देख लो है ना, ठीक है, ये कौन है, हम है, ये कौन है, देख लो ये कहती है। चल अब सुनो, तो अब यदि आप सूरज की तरफ मुंह करके खड़े होंगे तो आपका मुख जो होगा, मुख जो होगा जन देख रहे हो, ये कौन तरफ होगा, सुनो आपका मुंह करने का ही होगा, देख लो हम है कि ना, इन्हें देख रहे हैं ना सूरज भगवान के, ठीक है। और दक्षिण दिशा, ये देखो ये कौन हाथ है हमारी, देखो तक ऐसे अभी ना, ये दाहिना है, तो दक्षिण दिशा जो होगा ये होगा दक्षिण दिशा दाया ओर, दाया हाथ जो होगा कौन दिशा में होगा, बाबू याद करना पड़ेगा, क्या याद करना पड़ेगा, कि जब सूरज की ओर मुख हो तो दाहिना हाथ कौन दिशा हो गया, दक्षिण, अब बायां हाथ कौन दिशा हो गया, बायां हाथ उत्तर, कौन हो गया उत्तर हो गया, अब पश्चिम, ये पीठ देख रहे हो, ये कौन पीठ करने हो गया मेरा पश्चिम, कोई दिक्कत है तो बोलो। तो जैसे अब उल्टा घूमते हैं, अब देखो हम मान लो कि सूरज भगवान आगे है मेरे, तो ये मुंह मेरा कौन दिशा में है, पूरब, आई दाहिना हाथ नहीं, तो दाहिना हाथ मेरा क्या होगा, कौन दिशा होगा, दाहिना दिशा कौन होगा, ये दक्षिण होगा, आ ये कौन होगा, आ नीचे पीठ, पीठ माने पीछे, समझ में आ रहा है, सूरज की ओर अगर मुख होगा तो मुख होगा पूरब, दाहिना हाथ होगा दक्षिण, द से दाया, द से दक्षिण, अब ब से बाया, ब से उत्तर, ना ऐसे भी समझ जाओ कि जब तुम्हारा दाया हाथ है दक्षिण तो ये अपने हो जाएगा उत्तर, अब पीठ हो जाएगा आपका। बाबू एक एक कंसेप्ट को क्या करना पड़ेगा, अगर नहीं करोगे तो बर्बाद तो अपने आप को कर लोगे,
माए बाप तो 4 दिनों का मेला है ना, सब दिन थोड़ी माए बाप पूछते हो। बोलो कोई दिक्कत है यहाँ तक तो बोलो, अगर नहीं दिक्कत है तो हम कहाँ चले, क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन पर चलने से पहले कुछ और काम हो जाए, नहीं पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो सूरज भगवान वाला का। एक क्वेश्चन लिखिएगा, यदि कोई व्यक्ति उत्तर की ओर जा रहा है, यदि कोई व्यक्ति उत्तर दिशा की ओर जा रहा है, किधर जा रहा है, उत्तर दिशा की ओर जा रहा है, कुछ दूरी तय करने के बाद बाईं ओर मुड़ा फिर दाईं ओर मुड़ा तो बताइए अब वह किस दिशा की ओर जा रहा है, तो बताइए वह अब किस दिशा की ओर जा रहा है। पहले कहाँ गया, दाईं ओर, पहले कहाँ कौन सी दिशा में गया था, बाईं ओर, और तब दाईं ओर, और फिर पहले गया है उत्तर की ओर, तब बाईं ओर, तब दाईं ओर, और फिर बाईं ओर, यही है ना, दो बार बाईं एक बार दाईं है, तो अब किस दिशा में जा रहा है। अब सुनो यहाँ से, यहाँ देखो डायरेक्शन, यह है उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम। गौर करो, केवल देखो, पहले किस दिशा में गया है, उत्तर में गया, अब कहाँ पे घूमा है, बाईं ओर, इधर घूमा, घूम गया 90 पर, अब किधर गया, दाईं ओर चला गया, दाईं ओर, अब किधर घूमा, बाईं ओर, तो बाईं ओर किधर होगा, देख रहे हो, इधर, तुम ही बताओ अभी किस दिशा की ओर जा रहा है, पश्चिम दिशा, किस दिशा की ओर, तो आंसर क्या हो गया, पश्चिम। अगर चाहते हो कि आपको डायरेक्शन से संबंधित प्रश्न मिले तो सबसे पहले लिंक शेयर करिए, ये बहुत बड़ी खामी है आप लोगों में कि लिंक नहीं शेयर करते, खुद पढ़िए, दूसरे को भी मौका दीजिए, नहीं, और आपका परिवार है लर्नर आइज बाय VRP, तो आपका कर्तव्य है कि लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग, अगले वीडियो में मिलते हैं एक और बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ कि आप बिना बनाए कैसे घूम जाएंगे। तो एक बार लास्ट में लिख दीजिए बाईं ओर मुड़ता है, ठीक है, क्वेश्चन को सुधार लीजिए कि यदि कोई व्यक्ति उत्तर दिशा की ओर जा रहा था, कुछ दूर तय करने के बाद कहाँ घुमा, बाईं ओर, फिर किधर घुमा, दाईं ओर, और फिर लास्ट में बाईं ओर मुड़ा, क्वेश्चन ठीक कर लीजिए, तो बताइए वो किस दिशा की ओर जा रहा था। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग, जय हिंद, जय भारत।